पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू होने वाली है और पाकिस्तान के ओपनर्स की बैटिंग मैं तो नहीं देख सकता भाई। ये पावर प्ले नहीं खेलते, खुद भी सो जाते हैं, हमें भी सुला देते हैं। ये एक जन्म के हैं। जब से रिजवान कैप्टन बना है मैंने तो सोच लिया था कि अब इसके मजे नहीं लूंगा, ये ट्रोलिंग बहुत हो गई। पर रिजवान भाई ऐसे दरवाजे के सामने कंटेंट फेंक कर जाते हैं, अब कोई क्या ही करे। तो गाइज, ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हम ऑस्ट्रेलिया हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। भाई आप लोग हर दफा हिस्ट्री ही क्रिएट करते हैं, ऐसे नए नए तरीके से हारते हैं कि हमारे मुंह से यही निकलता है कि कमीने यहां से भी हार गए। लास्ट ओवर में एक रन भी चाहिए होगा तो भी हमारी टीम बोलेगी सरप्राइज, हम यहां से भी हारेंगे। और दिक्कत ये नहीं है कि ये ऐसी सिचुएशन में मैच हार जाते हैं, दिक्कत ये है कि हमें इनसे टाई की उम्मीद भी नहीं होती। और हमें तो चलो आदत है, हम पुराने फैंस हैं, मूव ऑन जल्दी कर जाते हैं, लेकिन जो न्यू कोविड की पैदावार है, एक एक हफ्ता डिप्रेशन तो उनका नहीं जाता यार। 120 पे 120 चाहिए, यहाँ से कैसे कोई हार सकता है। मैं यहाँ रिजवान को मोरल डाउन नहीं कर रहा, एज ए कैप्टन उन्हें यही सब बोलना चाहिए था, लेकिन हम तो समझदार है क्योंकि हम तो पीसीडी फैंस है, हम तो समझ सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया क्या करने जा रहे हैं। लास्ट पे रिजवान को मैं बस यही कहूंगा कि भाई ऐसी बातें ना किया करो, मेरी हंसी निकल जाती है। खैर अब रिजवान कैप्टन है तो देखने वाली बात ये होगी कि ओपनिंग पे कौन आएगा। रिजवान तो कैप्टन है तो ये भाई तो पक्के हो गए, और रिजवान अपने दोस्त के बिना ओपनिंग कैसे कर सकते हैं। तो भाइयों फिर पावर प्ले तो गयो। ऊपर से सीरीज के एंड टाइम पे पैट कमिंस का इंटरव्यू भी आ गया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि बाबर हमारे लिए नाइटमेयर है। मैं बता रहा हूँ बाबर भाई, ये भूरी आंख वाला बड़ा चालाक आदमी है, ये आपको जानबूझकर चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, इसकी बातों में नहीं आना, आप जागते हुए ही बैटिंग करना। खैर फखर जमान के फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि चांसेस बन रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद जो साउथ अफ्रीका की सीरीज आ रही है उसमें कमबैक करेंगे। देखिए जुबान दिए मुकरने नहीं दूंगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर लास्ट में पीसीबी ने यही सब करना था तो भाई इतना गंद फैलाने की जरूरत क्या होती है, पहले ही वार्निंग देकर छोड़ देते। कोई सेंस है इस बात की? फैंस तो वैसे भी फखर को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बस पीसीबी ने काफी दिन से गालियां नहीं खाई थी तो तलब हो रही थी इनको, वो पूरी हो गई, अब सब क्लियर है। पीसीबी से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई ऐसे आइडियाज आते कहां से हैं तुम लोगों के पास? हमने बचपन से मेरे को ऐसा जादू दिया है, मैं जोर लगा के सोचता है ना। खैर न्यूज कुछ ऐसी भी आ रही है कि गैरी क्रिस्टन के जाने के बाद शादाब के ससुर सकलैन मुश्ताक हेड कोच बनने जा रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्रिकेट बोर्ड है या कोई ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जहाँ पे सब रिश्तेदारों का होना जरूरी है। और दूसरी बात, सकलैन मुश्ताक को मैं बता दूं कि अंकल जी इसी खतरे से बचने के लिए हमने शादाब को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, वरना दिल तो था कि इमाद वसीम और इफ्ती मीनिया की तरह लात मारे, लेकिन फिर आपका सोचकर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि किसी तरह आप हरकत में ना आ जाए। अब इससे ज्यादा हमारे पास बस चेयरमैन की पोस्ट बची है, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि ले देकर हमारे पास सकलैन मुश्ताक ही बचा है कोचिंग के लिए। और भाई इन चले हुए कारतूसों को कितनी दफा ट्राई करोगे तुम लोग? पहला ससुर इतना लॉयल देखा है मैंने लाइफ में, लड़की चाहे जैसी भी, सुसर मुझे सकलैन मुश्ताक जैसा चाहिए। दूसरा यार, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का लास्ट टेस्ट में इतना गैप रख दिया तुम लोगों ने। लगता है कोई तगड़ा प्लान बन रहा है इस सेंटनर के अगेंस्ट, क्योंकि इस दफा तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। न्यूजीलैंड ने इंडिया को अपना कचरा मुरलीधरन बनाकर चिपका दिया और इंडिया वाले इस ट्रैप में आ भी गए। सीएसके के वाटर बॉय को पूरी सीरीज दे दी, थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर एवरी सीजन। अब मुझे समझ आ रहा है इस सेंटनर को एमएस भाई ने बाहर क्यों बिठा कर रखा था, क्योंकि मकसद तो सेंटनर से बड़ा काम लेने का था। कुछ दिन पहले रोहित शर्मा का इंटरव्यू भी बड़ा वायरल हुआ पड़ा था जिसमें वो ये बोल रहे थे कि 18 कंसेक्यूटिव विनिंग्स के बाद एक हार तो अलाउ होनी चाहिए। वैसे तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है इंडिया से, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आया, मतलब इंडिया के लिए WTC फाइनल खेलने के लिए ये सीरीज इम्पोर्टेंट है, हमारी तरह ऑलरेडी बाहर नहीं बैठे तुम लोग? और नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से सीरीज आ रही है, उसमें जीतना वैसे ही टफ होता है, तो मुझे एटलीस्ट शर्मू से इस बात की उम्मीद नहीं थी। अभी क्या जवाब दूं इसका मैं? खैर शर्मू की फेवर संजय मांजरेकर ने भी की है कि एक ही हार है तो कोई बात नहीं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आज की मीम्स
देखते हैं। फर्स्ट इनिंग की जिम्मेदारी मेरी, सेकंड इनिंग्स की विकेट मैं देख लूंगा। घमंड तो इस बात का है कि टीम से बाहर होकर पाकिस्तान को सीरीज जिता दी। बॉबी भाई शुक्रिया, व्हाइल मेकिंग अ टर्निंग ट्रैक व्हाइल प्लेइंग ऑन अ टर्निंग ट्रैक। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए बाबर भाई, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। टीम इंडिया टेस्ट डाउनफॉल, हमारे बिना कौन संभाल रहा है टेस्ट को, इसे पहले भाई ये कैप्टन है। कॉन्ट्रीब्यूशन इन थर्ड टेस्ट मैच, स्कोर्ड अ सेंचुरी, टुक 9 विकेट्स, टुक 10 विकेट्स, गिव एन अमेजिंग इंटरव्यू। देख रहा है रिहाने कैसे विराट और रोहित को मौके पे मौका मिल रहा है। तो गाइज कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि क्रिकेट कॉमेडी वीडियोस डेली आप तक पहुंचे। और क्रिकेट से रिलेटेड क्यूरीज आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। बाकी हंसते रहे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।